हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल मस्त चल रही होगी, मेरे को पता है। देखो, तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखो। अब की बार हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। जो कर रहा है वो COVID-19 कर रहा है, कोरोना वायरस कर रहा है। चाइना की बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर, ही क्या पूरे विश्व के ऊपर चाइना की मेहरबानी है कि सभी को रेस्ट के ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो NTA ने एक न्यू नोटिफिकेशन डाला है। जो NTA है उसने न्यू नोटिफिकेशन डाला है 15 जुलाई 2020 को। तो प्लीज़ आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहें मेरे साथ, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा यहाँ पर, जो आपके लिए वास्तव में ही बहुत कामयाब रहेंगी, आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगी। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, साथ ही साथ ढेर सारे कमेंट करो, जो समस्या हो आपकी वो कमेंट करके आप मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे NTA के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर कि NTA वाला इस नोटिफिकेशन में क्या कहना चाहता है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं इस चैनल के ऊपर नेट, जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करवाता हूं, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, मैं एक बहुत ही बेस्ट फंडा अपना रखा हूं, जो कैंडिडेट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चाहे एग्जाम कभी भी हो, एक महीने बाद हो, दो महीने बाद हो, तीन महीने बाद हो, चार महीने बाद हो, पाँच महीने बाद हो, लेकिन जो कैंडिडेट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उनकी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बिल्कुल पहले कंटिन्यू पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरीके से अब कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पर मैं टोटल 4 लाइव क्लास प्रोवाइड करवाता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। एक एक घंटे की 4 लाइव क्लास होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। 2 घंटा फर्स्ट पेपर का होता है, 2 घंटा ज्योग्राफी का होता है। और मैं टोटल फर्स्ट पेपर के 40 के आसपास, 50 के आसपास क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ एक दिन में। इसके अलावा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और DI के क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं। टोटल 6 टॉपिकों से 50 क्वेश्चन लाइव रेगुलर सोल्व करवाता हूँ। तो सपोज डैट 5 महीने बाद, आप जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने बाद एग्जाम हो रहा है, टोटल 120 दिन है और मैं पर डे 50 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, तो आप अनुमान लगा सकते हो टोटल मैं 6000 क्वेश्चन करवा दूंगा तब तक। और जो कैंडिडेट्स मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, मेरी रेगुलर लाइव क्लास ले रहे हैं, वो दिसंबर तक टोटल 6 यूनिट के टोटल 6000 क्वेश्चन विद फुल डिस्क्रिप्शन सोल्व कर चुके होंगे। डायरेक्टली बोल सकता हूँ, 1 यूनिट के 1000 कम से कम क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे वो। तो आप अनुमान लगा सकते हो वो आपसे कितना आगे निकल चुके होंगे तब तक, क्योंकि वो साथ के साथ भी पढ़ रहे हैं। अब भी आप बिल्कुल ठाले बैठे हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो अब, लेकिन वो अब पढ़ रहे हैं और जब आप पढ़ोगे तब भी वो पढ़ेंगे। तो अब का जो उनका पढ़ना है वो आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, वो उनका जेरफ का सबसे मेन टाइम होगा, टारगेट होगा। ठीक है, तो यदि आपको इसी तरीके से वो जो 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने हैं बिल्कुल PDF के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, बिल्कुल लाइव, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और मोबाइल नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले लेना। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, जरूर जुड़े, वहां पर मैं ये 6000 के 6000 क्वेश्चनों की PDF प्रोवाइड कराऊंगा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, मैं बता देता हूँ 7891350470। ठीक है, तो यहाँ पर NTA ने न्यू नोटिफिकेशन डाला है। अब मेरे साथ आ जाओ NTA का नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए। करेक्शन इन द पार्टिकुलर चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरम फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। ठीक है, NTA ने डाल दिया कि आप अपना जो फॉर्म था उसमें आप करेक्शन कर सकते हो, अपने पार्टिकुलर जो मिस्टेक्स हुई हैं उसकी भी करेक्शन कर सकते हो, अपना सेंटर सिटीज का भी करेक्शन कर सकते हो, अपने फोटोग्राफ में भी करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत पहले से डाल रखा था उसने, ये समथिंग इन्होंने 6 जुलाई को डाला था, ये नोटिस 6 जुलाई को डाला था, जिसकी पहले इन्होंने लास्ट डेट थी वो 15 जुलाई फिक्स की थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के और इन्होंने कर दिया 20 जुलाई। तो अब आप अपने फॉर्म में 20 जुलाई तक करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यदि आपने इनमें से कोई भी एक फॉर्म अप्लाई कर रखा है, इनमें से आपने कोई भी एक फॉर्म भर रखा है, ठीक है, कौन कौन सा है, इग्नू का है, ICAR का है, JNUEE का है, CSIR नेट का है, UGC नेट का है, ये AIAPGET का है, इनमें से कोई सा भी आपका एग्जाम है तो प्लीज़ आप अपना जो भी करेक्शन है वो कर सकते हो।
लेकिन एनटीए ने नेट के लिए एक स्पेशल करेक्शन का नोटिस निकाला है जिसमें वो आपका एक स्पेशल फॉर्मेट तैयार किया है ओनली फॉर नेट वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। स्पेशली नेट वाले कैंडिडेटों को ये बात ध्यान में रखना है, बाकी ये जो फोटोग्राफ में जो चेंजिंग का है वो सभी के लिए, लेकिन स्पेशली फोकस ऑफ नेट स्टूडेंट्स, ठीक है। अपलोड स्कैंड एंड इमेज ऑफ कैंडिडेट लेटेस्ट फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट, ठीक है, कि आपको जो फॉर्म है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में फिल करना है, पहली बात। अब उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है, फेस एंड ईयर क्लियरली विजिबल, ठीक है, आपका फेस और ईयर जो कान है वो आपके बिल्कुल विजिबल होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए। जो फोटो की साइज है वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटो का जो कलर है वो ब्लैक या वाइट होना चाहिए। आप कैप और गूगल का मत यूज करना, आपने यदि फोटो में कैप और गूगल का यूज किया है तो प्लीज़ आपकी फ़ोटो जो फॉरम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शुड नॉट बी विद मास्क, फोटोग्राफ शुड नॉट बी विद मास्क, यदि आपने मास्क के साथ फोटो अपलोड कर दी, बहुत से हैं ऐसे महानुभाव जिन्होंने मास्क के साथ फोटो अपलोड कर दी, तो प्लीज मास्क के साथ फोटो अपलोड मत करो, ठीक है। इसके अलावा एस्पेक्टल्स आर अलाउड ओनली इफ बींग यूज रेगुलरली, यदि आप रेगुलर एस्पेक्टल्स का यूज कर रहे हो, रेगुलर चश्मे का यूज कर रहे हो, जो नंबर वाला चश्मा है, तो आप उसके साथ फोटो खिंचवाएं, ठीक है। पोलोराइड से और कंप्यूटर से जनरेटेड फोटो आर नॉट एक्सेप्टेबल, कंप्यूटर और पोलोराइड इन दोनों से यदि आपने फोटो जनरेटेड किया है तो आपकी फोटो नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आपने यदि फोटो पासपोर्ट साइज में लगाया है तो आपका फोटो का साइज 6 से 8 होना चाहिए, और यदि आपने पोस्ट कार्ड साइज में लगाया तो आपका 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एक स्पेशल नोटिस है यहाँ पर, आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट कलर में फोटो होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन आर नॉट कंप्लीइंग विद दिस इंस्ट्रक्शन और विद अनक्लियर फोटोग्राफ्स आर लीएबल टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। यदि आप अपने फोटो में ये इंस्ट्रक्शन लागू नहीं करते हो देन योर फॉर्म इज रिजेक्टेड, ओके, आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ इसके ऊपर स्पेशली फोकस करें और आप इसको एक लाइटली मत लें, इसको डीपली लें, और आप इसे यदि आपने अभी तक फोटो में करेक्शन नहीं किया है तो वो कराएं, ठीक है। कैंडिडेट मे नोट डैट इफ द फोटोग्राफ्स अपलोड आर फाउंड टू बी फैब्रिकेटेड आईडी सेप्ड और सीन टू बी हैंडमेड और कंप्यूटर मेड द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट एंड द सेम वुड बी कंसिडर्ड एज यूजिंग अनफेयर मीन्स एंड द कैंडिडेट वुड बी डीएलएड विद अकॉर्डिंगली, ठीक है। इन केस समवन एल्स फोटोग्राफ हैव बीन अपलोडेड द कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल्ड एंड द केस विल बी कंसिडर्ड एज यूजिंग UFM क्रिमिनल एक्शन एज पर लॉ ऑफ द कंट्री सेल आल्सो बी इंटेंड, ठीक है। तो ये था फोटो के साइज। अब मैं आपका 2 मिनट का टाइम लेता हूँ। देखो CSIR आपने, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी किसी ना किसी मीडियम से, जब नहीं मिली तो आपके मन में भी चल रहा है कि एग्जाम दिसंबर में होगा नवंबर में होगा। देखो ये तो कन्फर्म हो चुका है कि आपका एग्जाम नवंबर के आसपास होगा, क्योंकि CSIR के जो DG थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो CSIR नेट का एग्जाम है वो 2nd या 3rd वीक में होगा नवंबर के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो JRF का एग्जाम है UGC वाला वो दिसंबर में बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हम पढ़ नहीं पा रहे, सबसे बड़ी समस्या है कि अब हम पढ़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे, कैसे नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है, हम पढ़ नहीं पा रहे, मन में फीलिंग चलती है यार नहीं पढ़ पा रहे, क्या करें पढ़ाई नहीं होती। तो भाई एक बेस्ट सा सोल्यूशन है आपके पास, पढ़ाई नहीं हो रही, मैं रेगुलर इस चैनल के ऊपर 4 लाइव वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के चलाता हूँ फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। 4 घंटे के वीडियोज होते हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। 4 घंटे में मैं टोटल 100 के आसपास वीडियो सॉल्व करवाता हूँ, 50 फर्स्ट पेपर के, 50 ज्योग्राफी के। इसके अलावा
20 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 से 30 लॉजिकल रीजनिंग के, और एक या दो DI रेगुलर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, और मेरी जो रेगुलर की लाइव क्लास है उनके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैं रेगुलर फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। 4 महीने में टोटल 6000 के आसपास क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, और इससे पहले मैं 1000 के आसपास सोल्व करवा दिया, टोटल 7000 क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा इस चैनल के ऊपर। और यदि आज से आप मेरे साथ जुड़ते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आप भी जब एग्जाम होगा तब तक टोटल 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद फुल डिस्क्रिप्शन सोल्व कर चुके होंगे, और ये आपके लिए बहुत बेस्ट चांस होगा, आप 100% JLF निकाल जाएंगे। और यदि आप ऐसे नहीं जुड़ पाएंगे, यदि आपने अपनी पढ़ाई अब रोक दी, तो समझो आप अनसक्सेस की ओर जा रहे हो, 100% अनसक्सेस की ओर जा रहे हो, क्योंकि आप ही एक ऐसे कैंडिडेट हो जो नहीं पढ़ रहे हो। अदरवाइज मेरे साथ रेगुलर 8 से 10 कैंडिडेट लाइव आते हैं हर एक क्लास में, जो बिल्कुल फोकस करके पढ़ रहे हैं। तो जब मेरे साथ एक छोटा सा चैनल अभी मेरा बड़ा नहीं है, उसमें यदि 10 कैंडिडेट लाइव आ रहे हैं, तो जितना JRF और नेट होता है उतने कैंडिडेट तो 20 सीरियस होके अब पढ़ रहे हैं, और हमें उनसे एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो उसके लिए आपको ये चैनल जरूर अभी सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अपडेट निकलता है मैं आपको तुरंत रिसेंटली अपडेट करूंगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 7891350470, जिनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।